आज जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में उस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 2 मल्टीपल + 1 एडिशनल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये हमारा इसको हम सीधा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागे को हम आगे करेंगे और एक फंदा हम इसमें उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम ऐसे ही हमने इसको बनाना है फर्स्ट रो को। देखिए फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे सेकेंड रो रॉन्ग साइड से। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। जो यहाँ पर हमने सीधा बनाया वो यहाँ पर उल्टा बनेगा और जो यहाँ पे उल्टा है वो यहाँ पर सीधा बनेगा। धागे को आगे करेंगे और एक फंदा यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को हम पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। जैसे बॉर्डर बनाते हैं सेम ऐसे ही आपने इसको बनाना है, सेकेंड रो को इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए सेकेंड रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे थर्ड रो राइट साइड से। एक फंदा ये यहाँ पर, इस फंदे को हम यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए अब हम कलर को चेंज करेंगे जिसमें हम पिंक कलर लगा रहे हैं और धागे को हम आगे करेंगे और एक फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा वाला इसको हम ऐसे उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और इस फंदे को उतार लेंगे। थर्ड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। इस फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे और धागे को हम पीछे करेंगे। अब एक फंदा यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे। ये फंदा हमने उल्टा बनाया था राइट साइड में, इसे हम सीधा बनाना है। धागा आगे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। जो हमने यहाँ पर उल्टा बनाया इसे यहाँ पर हमने सीधा बनाना है। धागा आगे करेंगे, इस फंदे को उतारना ही आएंगे। फोर्थ रो को हम इसी तरीके से कम्प्लीट देखिए फोर्थ रो को हमने कम्प्लीट कर लिया, अब बनाएंगे फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में हमने कलर को चेंज करना है। ये देखिए अब ये वाला फंदा हमने सीधा बनाना है, इस फंदे को हमने पहले उतारा था, अब इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ये वाले फंदे को उतारेंगे और इस सीधे फंदे को इस कलर से सीधा ही बनाएंगे, फिर उल्टे वाले फंदे को उतारेंगे और इसको हमने सीधा बनाना है, इसको उतारेंगे और इसको अब हमने सीधा बनाना है, उतारेंगे और सीधे फंदे को सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको उतारेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे, उल्टे को उतारना है और सीधे को हमने बनाना है। जो हमारा बेस कलर होगा उसी कलर से हमने, ये देखिए इसको उतारेंगे और बेस कलर से इसे हम सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को उतारेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिफ्थ रो को हम इसी तरीके से बनाएंगे। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे इसको, इस फंदे को उतारना है हमने, एक फंदा उल्टा इसको उतारेंगे, एक फंदा उल्टा इस फंदे को उतारना है, एक फंदा उल्टा इस फंदे को उतारेंगे, एक फंदा उल्टा इस फंदे को उतारेंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा, एक फंदे को उतारेंगे। सिक्स्थ रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सिक्स्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे सेवन्थ रो। सेवन्थ रो में अब हम पिंक कलर को लगाएंगे। ये देखिए ये वाला हमारा सीधा फंदा, इस फंदे को हमने उतारना है। ये देखिए फिर धागे को हम आगे करेंगे और इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है, फिर धागे को हम पीछे करेंगे, इस वाले फंदे को इसमें ऐसे उतारना है, फिर धागा आगे, ये वाले फंदे को उल्टा, धागा पीछे, इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से उतारना है। ये देखिए फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इसको हमने उतारना है, फिर धागा आगे और एक फंदा उल्टा। जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी वैसे ही हमने इसको बनाना है। फर्स्ट और सेकंड में तो हमने ये बॉर्डर टाइप बनाया था, उसके बाद हमने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था थर्ड रो से, तो ये थर्ड रो हमने इसी तरीके से स्टार्ट की थी। ये देखिए इसको ऐसे उतारेंगे और इस वाले फंदे को हमने उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे, इस फंदे को उतारेंगे, फिर धागा आगे और इस फंदे को ऐसे बनाएंगे। ये देखिए
ये देखिए आप रिपीट करते जाएंगे इस रो को, तो ये आपका ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत प्यारा डिज़ाइन है और देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा छोटा और बहुत सुंदर डिज़ाइन। ये देखिए, और ये इसका रॉन्ग साइड। इसे बनाना इजी है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।